नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल आइडियाज़ में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें बस हमने जो बताया था VPN सेटिंग चेंज करने का, वो केवल जियो सिम नेटवर्क वालों के लिए ही अवेलेबल था। लेकिन आज जो हम लेकर आए हो वो कोई सी भी सिम हो फ्रेंड्स किसी के पास, या फिर कोई सा भी सिम नेटवर्क आप यूज़ करते हो, ये सभी सिमों के लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। हम इसमें VPN सेटिंग चेंज करेंगे, लेकिन VPN सेटिंग के बाद भी हम एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। हम वो ट्रिक बताएंगे इसमें, जिससे कि क्या होगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जैसे ही बढ़ेगी VPN सेटिंग को चेंज करने पर, वैसी ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर VPN सेटिंग में जाना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे सेटिंग में गए, देन हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर जाने के बाद आपके पास कोई सी भी सिम हो फ्रेंड्स, ये हर सिम के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जैसे कि हमारे पास आइडिया की, हम आइडिया पे जाते हैं और यहाँ पर VPN पे क्लिक करते हैं। क्लियर, यहाँ पर VPN पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू VPN का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेम जो लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है, आपको कुछ इसी टाइप से यहाँ पर टाइप करना होगा और ओके करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है ZZ कैपिटल में आएगा फ्रेंड्स, ZELTA ZELTA, और यहाँ पर P कैपिटल में आएगा, RO, और फिर 75X स्मॉल में आएगा फ्रेंड्स। ये आपको टाइप करके ओके करना होगा नेम में। देन VPN में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कैपिटल Z, फिर स्मॉल में ELTA, फिर कैपिटल B, फिर स्मॉल ETA, ये टाइप करना होगा फ्रेंड्स बिना स्पेस के, और आपको ओके करना होगा। देन यहाँ पर आप प्रोक्सी को वैसे ही रहने दीजिए और पोर्ट को भी फ्रेंड्स जैसा है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको स्मॉल में लिखना है 4G net। क्लियर फ्रेंड्स, 4G net, यहाँ पर ओके करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आप सर्वर फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो लिख रखा है वो www.microsoft.com, ये क्यों लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि गूगल का सर्वर अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है इन दिनों, इसलिए हमने माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज़ किया है, इसलिए आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो यहाँ पर आप नीचे स्लाइड कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहने दीजिएगा फ्रेंड्स। ये MCC और MNC, इनको प्लीज़ आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये एरिया वाइज सिलेक्टेड रहते हैं, तो आपके एरिया में जो भी रहेगा वो सिलेक्टेड रहेगा। क्लियर, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप जो आ रहा है, यहाँ पर आपको PAP पर क्लिक करना है। अगर PAP पे नहीं चले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो लास्ट में आ रहा है PAP और CHAP, इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर PAP में नहीं चलेगा तो इसमें चलेगा ही फ्रेंड्स। नन पर मत कीजिएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये नन पर ही सिलेक्ट रहता है। क्लियर, तो हम PAP पे कर रखते हैं अभी। देन आपको क्या करना है, VPN टाइप वैसे की वैसे रहने देना है। VPN प्रोटोकॉल, VPN प्रोटोकॉल पे आपको जाना होगा, इस पर IPv4 एंड IPv6 को सिलेक्ट करके रखना है, और रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको यही सिलेक्ट कर लेना है सेम। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, बियरर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो रहेगा अनस्पेसिफाइड जो फर्स्ट वाला है उस पर सिलेक्ट रहेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अनस्पेसिफाइड को छोड़कर सभी सिलेक्ट कर लेना, और जो लास्ट के दो हैं उनको भी अनसिलेक्ट कर दीजिएगा, सिलेक्ट नहीं करना है। IS95B IS95A को सिलेक्ट नहीं करना और ओके कर देना है। बस फ्रेंड्स इतना सा करना है VPN सेटिंग में, और इसे यहाँ पर मोर पर क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे और यहाँ पर जैसे कि आपका अभी हमने बनाया, ये देखिए हमने सिलेक्ट कर रखा था पहले से, इसलिए सिलेक्टेड है। आप भी इस पर एक बार टच कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन फिर आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ये हमने कर रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, DNS चेंजर, मीन्स DNS IPv6 का है फ्रेंड्स, ये हम IPv6 यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने ये इंस्टॉल किया हुआ है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट की स्पीड VPN सेटिंग को चेंज करने के बाद आएगी, वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी आपके मोबाइल में। लेकिन आपको ये कब यूज़ करना है फ्रेंड, जब आपको इंटरनेट आपके मोबाइल में चलाना हो, डेटा ऑन करने के साथ आपको इसको भी एक्टिवेट करना होगा, जैसे कि हम करते फ्रेंड्स। इस पर जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। बस जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक कर दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर VPN जो ऊपर की साइड आएगा, यहाँ पर VPN आ जाएगा VOLTE की साइड में, मोबाइल नेटवर्क के पड़ोस में। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ से ये इससे ये कंटिन्यूसली बनाए रखेगा आपके इंटरनेट की स्पीड को। देन आप जाकर जो भी स्पीड चेकर वगैरह यूज़ करते हो, स्पीड टेस्टिंग एप्लीकेशन, उस पर भी जाकर आप देख सकते हो कि आपकी स्पीड इम्प्रूव हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके जो भी डाउट रहेंगे वो कमेंट से थ्रो ही क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैंने कॉलिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल कर रखी है, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो इजीली, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और टाइमिंग शो हो जाएगा, उस टाइमिंग पे आप हमको कॉल करके जो भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स ये ट्रिक आपके मोबाइल में अप्लाई नहीं हुई तो डिसलाइक करते समय नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा कि किस कारण से नहीं हो रही है, क्लियर। और फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में भी यूज़फुल रहे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे टेक्निकल वीडियोस पसंद आते हो तो साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।